रोको है। देखिए ये ग्रीस वाला जूस ये बहावलपुर की शान है भाई जान। कर दे यार हनी, हनी पहुंचे हैं हम बहावलपुर। फिर से बहावलपुर पहुंचे हैं, बस मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं मैं। आते हैं तो फिर अगली बात करते हैं। बहावलपुर का स्टेशन जब भी देखो हर बार ही पहले से ज़्यादा प्यारा लगता है, बड़ी कशिश है और बड़ा प्यारा बनाया गया है। अभी लेने आ रहे हैं तो मैंने कहा उतनी देर में चाय पी लूँ क्योंकि सुबह चाय नहीं पी। पता नहीं कहाँ रह गया है, मैंने कहा था बाइक पे आना, गाड़ी पे ना आना, पूछ रहे थे मुझसे। अब कॉल तो कर ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं। दोस्तों के साथ बाइक पे बहावलपुर घूमना, ऊपर से मौसम अच्छा है, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। बाइक पे अलग मज़ा आता है, गाड़ी पे अलग मज़ा है, लेकिन बाइक पे ज़्यादा मज़ा है, खासतौर पर जब मौसम अच्छा हो, हवा चल रही हो, ठंडी हवा। इसलिए बाइक पे हमने सारा बहावलपुर घूमा मज़े मज़े से। इतना गाढ़ा जूस है ये देखे, ये ग्रीस वाला जूस ये बहावलपुर की शान है भाई जान। भाई आए हैं आज हमजा भाई और ये हम उसकी किताब में जूस पी रहे हैं, उसके स्वागत कर रहे हैं। ये देखें आंखों से देखें, ये देखें, ये खेच इन खेच, ये देखे खेच, पैर के अंदर भी नहीं आएगा। एक ही साथ खेच भाजी, इतना गाढ़ा था ठंडा। बड़ा साथ दिता उस मोटरसाइकिल ने, साथ दिता ना, उते जंप नहीं ना लगते है। वड्डी दे वड्डी मसाला खुल के ला नींबू टमाटर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ आए, फिर हम यहाँ पे एक दोस्त के साथ काम था तो बस चलते चलते हम इधर भी आ गए। थोड़ा सा मैंने कहा इस्लामिया यूनिवर्सिटी को आपको दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है, साफ सुथरी, ऊपर से मौसम भी अच्छा था तो चेक करें यूनिवर्सिटी की सीन, चेक करें। बस रश नहीं है, सब छुट्टियाँ हो गई हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स चले गए हुए हैं, बस खाली खाली थी, लेकिन हमें काम था, हम अपना काम करके निकल रहे हैं।
50 चलो असली है क्या उसको नहीं देगा रुको ताजी एक बोतल भी दे दो यार। फाइनली जी हम पहुंच गए अपने मुकाम पे। रात का 11 का टाइम हो चुका है। सारा दिन खुआरी करके बाइक पे फिर सफ़र करके बिल्कुल थक हो चुके हैं। तो रूम में आकर लेट गए हैं, बस अब फ्रेश होना है और सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। बल्कि लेकिन नहीं, अभी चाय पीनी है, सर बहुत दुख रहा है। तो खैर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। कल यजमान घूमेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।